Hi friends, it is my honor to introduce you to you, Dr. Ansar Ahmed, rank 20 AIIMS May 2018, and he is a rank 33 in this PGI exam. Awesome ranks. Thank you. कैसा लग रहा है? अभी वो feeling sink in हो रहा है, like मैं feel नहीं कर सकता क्या हो रहा है actually. अच्छा तो लग रहा है. अच्छा तो लग रहा है. अच्छा तो लग रहा है. बिल्कुल लग रहा है. रात मेरे को नींद नहीं आ रही अच्छे से. I know. And he has been a test and discussion student of DAMS, and we are very proud of his achievement. Thank and you. I was asking him that what do you think is the most important part of preparation, and you were telling me that giving tests is all. So let's talk about it, because I feel that sometimes students they underestimate the value of giving tests. Test dene ko kamzor samajhte. So what do you think? Actually haan bhai, theory to zaruri hai, like it is the basic, par usko application bhi utna hi important hai. 50% part theory learn karna, 50% part अप्लाई करना एग्जाम में, फिर वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे. तो टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. तो 25% टाइम ऑफ द डे होना चाहिए क्वेश्चंस करने में जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो. और जैसे TND था DAMS का, वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे वीकली, तो आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर लाइक 4 डेज फॉर टेस्ट, एंड देन आई यूज़ टू गिव द टेस्ट, एंड देन उसके बाद एनालिसिस के लिए जो मैंने मिस्टेक्स की उसके लिए वो मैं आगे 2 दिन एक्स्ट्रा उसके लिए लगा लेता था फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट. तो लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, both theory and questions are equally important. So मुझे लगता है वो TND से you got a timetable. Yeah. कि इसमें like, इस target से खत्म करके आना. हाँ, maintenance rate वो मैंने बना ऐसे flow में आ जाते हैं. So were you like मतलब कि नहीं इस test से पहले तो खत्म करना ही करना है. वो deadline is very necessary because we are most of the people I have known they are procrastinator. It's not like very bad thing but you फितरत में हमारी नेचर tendency है टू लाइक जब तक नहीं आएगा डेडलाइन तब तक नहीं करते. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो डंडा जरूरी है कि मतलब ये टेस्ट आ रहा है, ये टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, थोड़ा सा चाहिए, नॉट बहुत ज्यादा ले लो तो गड़बड़ है, बहुत ज्यादा. आई नो आई नो. एंड देन आई आल्सो वांट टू नो फ्रॉम यू लाइक जैसे ना व्हेन यू हैव डन सो वेल इन एग्जाम, इट्स लाइक मतलब मैं बोलूंगा एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जिंदगी का टू बी इन अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट विद अ रैंक 20. तो मतलब हाउ डिड यू फील द पैटर्न ऑफ द एग्जाम वाज, लाइक एम्स अलग है थोड़ा, पीजीआई अलग है, यू हैव डन वेल इन बोथ, है ना? तो कैसे मतलब वो दोनों अलग कैसे कैसे आप अपने आप को कैसे तैयार किया उसके लिए कि एम्स में मैं क्या करूंगा पेपर वाले दिन से, एक दिन पहले क्या सोचा, एक हफ्ता पहले क्या सोचा, पीजीआई से पहले क्या सोचा? एक जनरल जो डिफरेंस है वो तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है कि एम्स इज मोर लाइक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है. तो मुझे तो बहुत पसंद है वो कॉन्सेप्ट क्योंकि रटना नहीं होता ज़्यादा, कॉन्सेप्ट बनाओ और एग्ज़ाम क्लियर कर लो. और PGI इज़ मोर लाइक थियोरेटिकल, वो पता नहीं उनका कुछ है पहले से सेटअप चला आ रहा है. और फिर एग्ज़ाम के पहले तो ये है कि आपको एग्ज़ाम मानना ही नहीं कि जिस डेट पे एग्ज़ाम है उसके पहले 15 दिन पहले एग्ज़ाम मानना है, क्योंकि हर बार हर किसी के साथ, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि लास्ट के 15 डेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. मतलब जो नॉर्मली पढ़ सकते हैं वो भी नहीं पढ़ते स्ट्रेस के चक्कर में, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं. तो 15 दिन पहले मानो एग्ज़ाम है, उसके जो फिर जो 15 दिन बचेंगे उसके बाद में उसमें आराम से थोड़ा रैपिड रिवीजन, और जो टॉपिक बचे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट उनको फिर पढ़ लो. और फिर एक अच्छी नाइट स्लीप तो चाहिए ही होती है. उसके लिए ऐसा होता है कभी कभी के लिए हम 11 बजे सोने जा रहे हैं, 12 बजे सोने जा रहे हैं, तो आप अगर 11 बजे या 10 बजे सोने जा रहे हैं पढ़ के तो आपको नींद आएगी 1-2 बजे, और जल्दी उठना भी है तो उसमें पंगा हो जाता. तो इसलिए ट्राई करो कि जल्दी खाना खा के जल्दी सोने चले जाओ, लाइक 9 o'clock 8 o'clock समथिंग ऐसे. सो व्हाट आई फील इज कि ना जो मतलब योर आइडिया हैज ऑलवेज बीन टू बी ऑन द स्मार्टर स्टडी साइड, और पेपर वाले दिन भी अच्छा अपना दिमाग पूरा चले, सो के आए हो, सो के लाइक अच्छा सोच पाए. वो एड्रेनलिन रश चाहिए ना एग्जाम में, अगर पहले से एग्जॉस्टेड होंगे तो कैसे चलेगा, फुल कैपेसिटी, फुल थ्रॉटल. एंड बट डिस्पाइट द पैटर्न बीइंग डिफरेंट, पीजीआई में भी तो अच्छा किया आपने, वो थ्योरी ठीक था, थ्योरी भी ठीक था. एज वी कांट अंडरएस्टिमेट द वैल्यू ऑफ योर मतलब हार्ड वर्क दैट यू पुट इन टू बिल्ड अप द थ्योरी एज वेल, है ना? सो काइंड ऑफ दोनों का मिक्स एंड मैच ही है, थ्योरी भी चाहिए थोड़ा, अप्रोच भी चाहिए, ऐसे दोनों, है ना? सो एनी एडवाइसेस दैट यू वुड वांट टू गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, एंड लाइक आई वुड वांट यू टू गिव टू एडवाइसेस. वन आई वुड वांट के थोड़ा एकेडमिक एडवाइस के कोई टॉपिक्स वो कोई पढ़ना चाहे, आपको लगता है ये इसे पढ़ने चाहिए एम्स के लिए, पीजीआई के लिए, और एक मोटिवेशनल एडवाइस चाहूंगा मैं एम्स के लिए. तो जैसे लाइक इमरजेंसी मेडिसिन का पार्ट, ट्रॉमा का पार्ट,
प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा पिक्चर सभी को पता है वो इम्पोर्टेंट है, पीजीआई में थोड़ा प्रीवियस ईयर थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो लोग थोड़ा रिपीट तो होता है आई गेस। और फिर ये कि टेस्ट तो देना ही है आपने, टीएनडी ज्वाइन कर लो। और सेकंड वन वाज मोटिवेशन, मोटिवेशन है ना, बट गिव अस समथिंग मोटिवेशनल फॉर द टॉपिक। वन थिंग इज कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ उनको कुछ पसंद है, मुझे पैथो पसंद है या फिजियो पसंद है, तो मैं पैथो फिजियो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैंने ऑफ था एक बार पढ़ा और समथिंग, या ईएनटी एक बार पढ़ा ऐसे कुछ कर लिया, तो क्या हुआ कि अब क्वेश्चन तो ऑफ था से भी 9 आने एक्चुअली 9-10 और पैथो से 20 या 18 आने, तो अब तुम उसमें पैथो में से अगर बहुत अच्छे से 3-4 बार या जितना भी तुमने बार पढ़ा तो 15 मैक्सिमम कर पाओगे, और ऑप्था में तुमने अगर 1-2 बार ऐसे रह गया तो उसमें जो आसान था वो भी छूट जाएगा तुमसे। तो ऐसा कभी नहीं करना कि जो ज़्यादा अच्छा लगता है उस पर फोकस करते रहो और दूसरा छोड़ दो, सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है सभी को, है ना। मुझे लगता है ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेंथ पे तो काम करते रहते हैं, वीकनेस को छोड़ ही देते हैं और पेपर में उसी में आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन और वो रैंक खराब कर देते हैं। तो सिंपल, हाँ वो सिंपल चीजें तो छोड़ के ही नहीं जाना, अगर तुमने वो छोड़ दिया तो फिर सबका हाई यील्ड तो आना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का बेसिक्स तो आना ही, बेसिक तो आना ही चाहिए, और कोर टॉपिक पहले अग्रेडेशन होना चाहिए स्टडी में, कोर टॉपिक पहले उसके बाद में एक्स्ट्रा पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे आर वरीड अबाउट एक्स्ट्रा स्टफ, हाई फाई थिंकिंग कि सर ये कुछ वो कंट्रोवर्शियल चीज आया था सर ये हाँ, बता दीजिए। हाँ ऐसा नहीं करना है, कोर टॉपिक आएगा वो कंट्रोवर्शियल तो आना ही यार, उसमें तो किसी को नहीं पता होता, वो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क भी नहीं पड़ता उससे। अब मोटिवेशनल, मोटिवेशन में ये कि यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप देखते हैं कि लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, अब है होता है कि निकालना ही है, पर एक अगर तुम लाइफ को देखो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में, अब तो अभी मोस्टली लोगों का तो ये होता है कि ऐसे पीजी के टाइम पे या मेडिकल के टाइम पे टनल विजन हो जाता है ड्यू टू सीनियर्स या सराउंडिंग एनवायरनमेंट की, निकाल नहीं तो गया काम से तू, बहुत सारे लोग इसे कुछ लोग मतलब एक्सट्रीम जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कभी कभी ना, तो वही टनल विजन क्योंकि उस लाइफ देखते ही नहीं है, इसलिए लाइफ तो इतना बड़ा है, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है और हॉबी भी है, कुछ और भी कर सकता है, एमबीबीएस कर लिया उतना बहुत बड़ी बात है, यू आर लाइक टॉप 2%, 1%, तो स्ट्रेस लेना है थोड़ा सा स्ट्रेस पढ़ने के लिए, पर बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि दिस इज नॉट लाइक जिंदगी का भाग है, जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी नहीं है, बस एक एक लाइन में बोल दिया आपने। हाँ तो बैलेंस बना के रखो, पढ़ाई भी और लिव योर लाइफ। अब ऐसा भी नहीं है कि अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे ठीक है अगर इतना स्ट्रेस नहीं लेते फिर चिल मारते हैं, तो वो भी गलत है, काम करो, काम से मत भागो, मतलब ऐसा नहीं कि अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ का मतलब ये नहीं कि तुम काम नहीं कर रहे, लाइफ नहीं नकारा लाइफ नहीं, ये ना कि आप कुछ ही नहीं कर रहे तो फिर पर्पसलेस हो जाएगी लाइफ, है ना। आप जो वेरी ब्यूटीफुली पुट एक्चुअली, और कहीं ना कहीं बैलेंस बीच में है, कहीं बैलेंस तो चाहिए, अभी तो आपने इन्फिनिटी वॉर देखा होगा उसमें बैलेंस के लिए तो लड़ता है थानोस, आई एम नॉट मतलब मैं विलेन की साइड नहीं हूँ। इट्स अ प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर कि इट इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन योर लाइफ, और मुझे लगता है पेरेंट्स भी आज बहुत ही प्राउड होंगे विद द काइंड ऑफ रैंक्स दैट यू हैव गॉटन। मुझे लगता है कि मैं पूरा डैम फैमिली की तरफ से, डैम फैमिली की तरफ से मैं मतलब हम भी बहुत खुश हैं, टीचर्स भी बहुत खुश हैं, पूरे सब टीचर्स की तरफ से आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई वांट टू कन्वे द कंग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली कि यू हैव डन वेल एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल इन लाइफ। थैंक यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस।